लो जी, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान एरन फिंच साहब, उनकी भी सुन लो जरा। फरमाते हैं कि मतलब ज्ञानी तो ये भी बहुत बड़े हैं ना, इनको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, ये सब पेल पूल के बैठे हुए हैं। इनके नाम की लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ पर क्रिकेट पढ़ाई जाती है, और साथ ही छोटे छोटे ग्राउंड हैं जहाँ पर क्रिकेट सिखाई जाती है। इनकी किताबों के मुताबिक रोहित शर्मा अगर हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करता, सामने आकर बात करता, तो हार्दिक इतना बू ना होता। ये एरन फिंच के वर्ड्स हैं। नहीं, रोहित को पता क्या करना चाहिए था, फिंच भाई जब पहली दफ़ा भू हुआ था ना हार्दिक पांड्या, छुरी लेता, ठीक है, किचन तो हो गई ना कहीं आगे पीछे, वहाँ जाकर छुरी लेता, फैंस के सामने आकर ना छुरी रखता यहाँ पर, कि खबरदार किसी ने मेरे हार्दिक को कुछ कहा, नस काट लूँगा मैं अपनी यहीं पे, और मेरा ज़्यादा खून बह गया, और मैं अगर कुछ, मुझे कुछ हो गया तो तुम सबको पाप लगेगा, इस तरह कुछ कहता ना, है ना। थोड़ा ज़रा कोई ड्रामा क्रिएट होता, कुछ पता चलता कि कितनी परवाह है, कितनी चिंता है रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या के बारे में, जो कि बारों बार उसकी कुर्सी खींच कर ले गया, किसी को पता भी नहीं चला है। गलत ज्यादती हुई रोहित शर्मा के साथ, जलील बेचारा वो हुआ जिस तरीके से उसकी कप्तानी गई, डिसरिस्पेक्टफुल वे में उसे ट्रीट किया गया, ठीक है, सब कुछ खराब उसके साथ किया गया, राइट एट दी 11th आवर, और रोहित शर्मा ही एथिक्स दिखाए, मोरालिटी दिखाए, आए सदके जाऊं तुम लोगों की इस मोरालिटी और एथिक्स के, मुनाफिकत कहते हैं इसको, हिपोक्रेसी, हाँ जी, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। तुम लोग जो नाम बना लेते हो ना, उसके बाद तुम आम जनता को यही भाषण देते रहते हो कि कोई मसला नहीं, तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, तुम जलील हो रहे हो, तुम खुवार हो रहे हो, कोई इशू नहीं है, बस बात अच्छे तरीके से किया करो, हैं। दिल तो करता तुम सबकी जबान तुम्हारे निकाल के ना, मुंह से तुम्हारी, तुम सबकी टांगों के गिर्द लपेट करना, उल्टा पंखे के साथ लटका दूं, और इतनी देर लटकाए रखूंगे, फिर उसके बाद जब तुम पंखे का बटन देखो ना, तो तुम्हें समझ ना आए कि पंखा देखकर और बटन देखकर चलाना है या उल्टे ही लटके रहना है। और कोई शर्म करो, हया करो, एक उस बेचारे के साथ इतना डिसरिस्पेक्टफुल वे में हुआ है सब कुछ, उसकी कोई साइड ही नहीं लेने को तैयार। जो आता है रोहित अगर अच्छे से बात कर लेता, पब्लिक के सामने आकर कह देता मैं रोहित को, वो उसको हार्दिक को सपोर्ट करता हूँ, तो बड़ा अच्छा होता। जो हार्दिक ने किया वो जैसे किसी को नजर नहीं आ रहा ना, ये आउट ऑफ नो वेयर कैसे कप्तान बना है? इसने तो, इसने एक आईपीएल टाइटल जिताया, रोहित 5 जिताकर बैठा हुआ है, इसको किस चक्कर में कप्तान बनाया है? सर, 2 चीजें हैं, या तो हार्दिक ने खुद कप्तानी मांगी थी मुंबई इंडियंस की, ठीक है, वो तो जलालत प्रो मैक्स है अगर उसने रोहित के होते हुए ये किया है, और दूसरी अगर मुंबई इंडियंस ने इसे ऑफर की थी, इसे इनकार कर देना चाहिए था। ये कहता कि नहीं, रोहित अभी मौजूद है, उसके होते हुए कप्तानी नहीं, और अगर ये कुछ करना ही था तो भैया बात कर लेते। ये भी कन्फर्म है कि ये बात रोहित को एंड पर बताई गई है, बिल्कुल एंड के ऊपर, जब आईपीएल शायद स्टार्ट होने वाला होगा या जो भी मामलात हैं, जब ये सारा कुछ हुआ है, सॉरी उससे थोड़ा सा पहले, जब ये हार्दिक पांड्या की वापसी की सारी बातें हुई हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में तो तुम लोगों ने रोहित को बताया है। और ये जिसको तुमने कप्तान बनाया है, हालत देख लो, 13 मैचेस हो गए हैं, 4 जीते हैं टोटल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल का जो है चल रहा चूरन, वो तो क्या ही बात है ना, वो डांस करते हुए शो कर रहा होता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ही कतरीना कैफ हूँ, मैं ही नूरा फतेही हूँ, मैं ही राहत फ़तेह अली खान हूँ, मैं ही चाहत फ़तेह अली खान हूँ, मैं ही सर गैरी सोबर्स हूँ, मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ, वो इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्करों में है कि मुझे सब आता है। जिसको सब आता होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा जूतियाँ पड़ती हैं। बॉलिंग में इसका ये हाल है कि भाई साहब बैटर जो है ना, इससे पूछ कर कहते, जैसे इसको देखते ना हार्दिक आया, सीधा इसके पास आते हैं कि हार्दिक भाई बॉलिंग कराने से पहले उल्टे हो जाओ और बता दो फिर बल्ला के किस तरफ से खाओगे। तो हार्दिक फिर आगे से यही उनको जवाब देता है कि यार पीछे क्या देख रही हो, मुँह तो इधर लगा हुआ है। तो फिर बैट्समैन बताता है, अरे छक्के चौके का पूछ रहे हैं, बचपन वाले शौक अभी तक आपके गए नहीं हैं। ये तो इसके हालात हुए पड़े हैं, क्या पट लिया इसने कप्तानी करके। और रोहित शर्मा का क्यों कह रहे हैं एक्स क्रिकेटर्स, जितने आईपीएल के कमेंटेटर्स हैं, कि ज़्यादातर कि यार ये अगले साल मुंबई इंडियंस में मुश्किल आ नजर आए, क्योंकि अगले साल मैका ऑक्शन है। रोहित की कोई साइड नहीं लेता, सारे आकर रोहित को ही कह रहे होते हैं, क्योंकि शरीफ आदमी है ना, एक प्रॉपर कोई जिसे सी ऑफ अगर इसे दे देते तो कौन सी क्यामत आ जाती। और वैसे भी मेगा ऑक्शन से पहले का ये लास्ट आईपीएल था, तो यार आप रोहित से बात कर लेते हैं कि यार हम आपको अगले साल रिलीज कर देंगे, ये लास्ट आपका इवेंट है एज ए कैप्टन। हार्दिक पांड्या एक साल और नहीं खेल सकता था एज ए नॉर्मल प्लेयर मुंबई इंडियंस में? ये जवाई है, हैं, जीजा जी हैं ये किसी के?
इतना मान सम्मान दिया हुआ है और टके की परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग में कुछ नहीं हो रहा है, नूरे तरीके से आउट होता है, बॉलिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो आता है भाई साहब इसको ऐसा सूतता है कि जैसे इसको सूतना जो है ना वो ऊपर से उतरी भी कोई जिसे कहते हैं ना हुक्म है कि भैया इसको नहीं छोड़ना, इसको फ्लैट करके जाओ। जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे ना वो भी इसको कूट कूट के फॉर्म में आ गए इस आईपीएल के अंदर, ये इसका टोटल परफॉर्मेंस है। और बातें कर रहा है 13 में से 4 मैचेस जीते हैं टोटल, अपनी इसकी खुद की परफॉर्मेंस जाकर देख लें पर मैच, 13 मैचेस टोटल 200 रन बनाए हैं, 18 की बैटिंग एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट 46 है, एक मैच अच्छा लग गया था, 200 रन बैट से बनाए हैं, 360 बल खाए हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल, 13 मैचेस 204 गेंदे किए हैं, 360 रन खाए हैं, विकटे 11 हैं, 3 for 31 बेस्ट है, 32 की बॉलिंग एवरेज है, 10.5 का इकॉनमी है, मिडल ओवर्स में 10.5 की इकॉनमी इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में ले डूबेगी। ये तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इस परफॉर्मेंस के साथ ये सिलेक्ट कैसे हो गया। बस फिर वही, अब रोहित को ना कुछ कहो, रोहित का कोई फॉल्ट नहीं है, रोहित पहले भी चुप था जब उसके साथ ज्यादती हुई है, रोहित अभी भी चुप है, तो भाई रोहित को क्यों पकड़ रहे हो फिर? उसके साथ जब ज्यादती हुई वो कुछ नहीं बोला, तो अब उसकी ज्यादती का बदला अगर उसके फैंस ले रहे हैं तो रोहित क्या करे फिर इसमें? जाके फैन से बात करो ना, उनको ठंडा कर सकते हो तो करो बेटा, जाओ ना जरा फैंस के सामने जाकर ये बात करो ना कभी। ये मीडिया पर आकर बयान दे देते हैं या इंटरव्यूज में कह देते हैं कि रोहित ऐसे कर लेता, रोहित वैसे कर लेता, रोहित के फैंस के साथ सामने जाकर जरा ये करो ना बात। यकीन करो दाढ़ी मूछ जो है ना वो उगने की सलाहियत से महरूम कर देंगे वो तुम्हें, उसके बाद ये भमे शमे भी गायब करा देंगे, सर भी क्या पता मुंडवा दें, उसके बाद भेज देंगे वापस ऑस्ट्रेलिया, और वो जहाज पे नहीं भेजेंगे, किसी कैंगरू पे ही बिठा के भेजेंगे। फिर देख लेना कि कौन से खुशकी का रास्ता है जहाँ से तुम कैंगरू के साथ जंपे मारते मारते जाओगे। जी पागल हो गया, रोहित ये कर लेता, रोहित वो कर लेता, रोहित ना हो गया पता नहीं वो बेचारा, उसी को बस टांगते रहो। मुंबई इंडियंस को कुछ ना कहना, टेढ़ा है तो मुंबई इंडियंस को कहो ना कि उन्होंने गलत किया, टेढ़ा है तो बताओ कि भाई ये रोहित के साथ जितना भी हुआ ये बेहद डिसरिस्पेक्टफुल है, उस तरफ कोई बात नहीं करता। बस अगर रोहित सपोर्ट कर देता, रोहित ये कर देता, रोहित ने आश्रम खोला हुआ सपोर्ट कर देता, चलो भागो। बस यार इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हाँ गाली शाली ना निकल जाए, समझा करो, चलो ओके, पीस आउट।